हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटो साइकिल बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ऑटो साइकिल बेस्ड न्यूमेरिकल्स RGPVE के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें, क्या अप्रोच होती है, क्या प्रोसेस होती है, आज के न्यूमेरिकल के माध्यम से हम उसको सीखेंगे, राइट। ऑटो साइकिल ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है। ऑटो साइकिल का डेरिवेशन मैंने उस लेक्चर में कराया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं, मैंने लिंक ऑलरेडी इसमें पोस्ट कर रखी है, राइट। तो बच्चों, ऑटो साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि ऑटो साइकिल में कितनी प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस का क्या नाम है, प्रोसेस कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है, किस प्रोसेस में हीट एडिशन हो रहा है, किस प्रोसेस में हीट रिजेक्शन हो रहा है, ताकि हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हम गिवन डेटा लिख पाए, राइट। स्टूडेंट्स, ये ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम है, राइट। चार प्रोसेस से मिलकर साइकिल बनी है। पहली प्रोसेस हमारी 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 से 1, राइट। 1 से 2 जो प्रोसेस है बच्चों, उसका नाम है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, राइट। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन स्टार्ट कहां से हो रहा है बच्चों, ये पॉइंट स्टेट 1 से स्टार्ट हो रही है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हमारा स्टेट 1 से स्टार्ट हो रहा है और स्टेट 2 पे जाके एंड हो रहा है, राइट। इस न्यूमेरिकल में डायरेक्टली इसी प्रोसेस के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारी 1 से 2 जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 1 पॉइंट पे एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और 2 पॉइंट पे एंड हो रहा है, राइट। 2 से 3 जो प्रोसेस है हमारी, वो क्या बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है। 3 से 4 जो मेरी प्रोसेस है बच्चों, उसका नाम क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। 4 से 1 जो प्रोसेस बच्चों, वो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ओके। इस साइकिल में अगर हम बात करें पीक प्रेशर की, पीक टेम्परेचर की, मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो हमको मिलता है 0.3 पे आफ्टर हीट एडिशन, ओके। तो याद रखना है P3 मैक्सिमम प्रेशर है, T3 वैसे कि हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है, ओके। हीट एडिशन हो रहा है मेरा 2 से 3 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, और हीट रिजेक्शन हो रहा है मेरा 4 से 1, वो भी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर। इसलिए इस साइकिल को बोला जाता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल को। स्टूडेंट्स, एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आए तो पहला काम क्या बच्चों हमारा, पहला काम हमारा है कि क्वेश्चन को रीड करके हम गिवन लिखें, ठीक है। अगर हम गिवन लिख पाते हैं तो हमारा काम क्या होता है बच्चों, काफी ईजी हो जाता है, ओके। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम भी गिवन डेटा लिखने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। इन एन ऑटो साइकिल, एक ऑटो साइकिल दी है आपको, द टेम्परेचर कब का टेम्परेचर, एट द बिगिनिंग, शुरू का टेम्परेचर, ठीक है, एंड और एंड का टेम्परेचर किसके, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के। क्या बोल रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जो प्रोसेस हो रही है उसके बिगनिंग का टेम्परेचर, और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जिस पॉइंट पे एंड हो रही है वहां का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, 316 केल्विन और 596 केल्विन रेस्पेक्टिवली, राइट। तो दोबारा डायग्राम बनाइए। न्यूमेरिकल में अगर साइकिल के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, उसका पीवी ग्राफ बनाना है, ताकि हम गिवन डेटा इसे दिख पाए। तो देखिए इस ग्राफ में, इस डायग्राम में 1 से 2 मेरा बच्चों क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। इस क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस के बारे में बता रहा है। स्टार्ट किस पॉइंट पे हो रही है बच्चों, स्टार्ट हो रहा है 1 पॉइंट पे, देख सकते हैं आप, और 2 पॉइंट पे एंड हो रहा है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन शुरू हो रहा है 1 पॉइंट पे, एंड हो रहा है 2 पॉइंट पे, ठीक है। तो बिगिनिंग टेम्परेचर जो बोला है ना, वो आपको 1 पॉइंट पे टेम्परेचर बोला है, एंड टेम्परेचर जो बोला है आपको वो 2 पॉइंट का बोला है, राइट। तो लिख लेते हैं हम,
टेम्परेचर एट द बिगिनिंग बिगिनिंग टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, क्या बोला है, टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जिसको हम T1 से डॉट कर रहे हैं। यदि आपको 316 केल्विन, राइट, फिर क्या बोल रहा है, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, सेम लिखेंगे फ्रॉम टेम्परेचर एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, राइट, जिस पॉइंट पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड हो रहा है वहां का दिया मुझको टेम्परेचर। किस पॉइंट पे एंड हो रहा है बच्चों, तो वो हो रहा है टू पॉइंट पे, आप देख सकते हैं इजिली। तो हमको यहां दिया है T2, कितना दिया बच्चों, 596 केल्विन। ओके, अब क्या बोल रहा आपसे, डिटरमाइन मतलब आपको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, ये मुझको निकालना है नंबर वन। नंबर टू क्या निकालना है हमको बच्चों, हमें निकालना है कंप्रेशन रेशो, कंप्रेशन रेशो को हम डिनोट करते हैं किससे बच्चों, आर से। ये दो चीजें हमें निकालनी है। फिर क्या बोला आगे, टेक गामा बराबर है 1.4, आप गामा भी ले सकते हैं 1.4। तो स्टूडेंट्स ये तीन चीजें हमको दी हैं क्वेश्चन में गिवन डेटा, जिसके हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पूछा क्या हमसे बच्चों, पूछा है हमसे एफिशिएंसी और कंप्रेशन रेशियो। क्या करना है हमको, जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे साइड में या कॉपी के पीछे, जो हमसे पूछा है उसके लिखेंगे फॉर्मूले। क्यों लिखेंगे, अभी बात बताते हैं आपको। एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 - 1/r^γ-1 लिख दिया मैंने। उसके बाद कंप्रेशन रेशो, कंप्रेशन रेशो में बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम टू द मिनिमम वॉल्यूम। तो 1 पॉइंट पे कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 2 पॉइंट पे एंड हो रहा है। 1 का वॉल्यूम V1, 2 का वॉल्यूम V2, इन दोनों बड़ा वॉल्यूम कौन सा बच्चों, आप देख के बता सकते हैं। V1 क्या है बच्चों, बड़ा है, V1 डिवाइड बाय V2, ये आपका कंप्रेशन रेशो है। तो फॉर्मूले बच्चों साइड में क्यों लिखना है या पीछे क्यों लिखना है, ताकि हमें समझ में आए एक्चुअली निकालना क्या हमको, पूछा हमसे एफिशिएंसी है और कंप्रेशन रेशो है। ठीक है, कंप्रेशन रेशो कब निकलेगा, जब मेरे पास V1 V2 होगा। ठीक है, V1 V2 मेरा आ जाएगा तो मेरा आर आ जाएगा, आर आ जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पुट करूंगा एफिशिएंसी फॉर्मूले, तो एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक, तो पहली अप्रोच क्या बच्चों हमारी, कि हम पहले निकालेंगे कंप्रेशन रेशो, राइट। तो जो हम निकालेंगे बच्चों उसके हम ना देंगे हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग देते नंबर वन, कंप्रेशन रेशो, इसको मुझे फाइंड आउट करना है, ये मेरी हेडिंग हो गई। कॉपी चेक करने वाला जो है उसको साफ साफ दिख जाएगा भाई कंप्रेशन रेशो निकालने जा रहे हैं। इसको डिनोट करते हैं किससे बच्चों, आर से करते हैं। चलिए इसको एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं भाई, लेट आर बराबर में क्या बच्चों, आर बराबर में है कंप्रेशन रेशो। हमने मान लिया कि कंप्रेशन रेशो क्या बच्चों, इसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। और ये होता क्या बच्चों, बड़ा वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटा वॉल्यूम, V1 डिवाइड बाय V2, ये लिख दिया मैंने, राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, इसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन जानते हैं, वैसे हम जानते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ठीक है, तो यहां हमको गिवन कर दिया बच्चों, टेम्परेचर गिवन दिया है, तो हम टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज करेंगे। वो क्या होता है बच्चों, आप जानते होंगे, अगर प्रोसेस 1 से 2 है, T2 डिवाइड में T1 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइड में V2 की पावर γ-1,
जो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन है, इसको हम यूज करेंगे। इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इस क्वेश्चन में गिवन दिया है टेम्परेचर वन का भी टू का भी, मतलब इजिली यहां से वी वन बाई वी टू जिसको हम आर बोलते हैं वो आ जाएगा। ओके, क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस वन टू टू, हम जानते हैं कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस जो मेरी वन से टू हो रही है उसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशन होता है बच्चों, टी टू डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू डिवाइड में वी वन की पावर गामा माइनस वन। अगर आप नहीं जानते थे तो आज से आपको ये याद रखना है, वी वन डिवाइड बाई वी टू राइट, टी टू डिवाइड टी वन इज इक्वल टू वी वन डिवाइड वी टू, ये रिलेशन होता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, मुझको क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई हैं, अब उन वैल्यूज को इनपुट करेंगे। तो टी टू कितने बच्चों, 596 दिया है, देख देते हैं 596 डिवाइड में टी वन की वैल्यू दी हमें 316, देख दिया इसमें यहाँ पर इज इक्वल्स टू। अब आप देखिए वी वन बाई वी टू क्या बच्चों, मेरा कंप्रेशन रेशो जिसको मैं डिवाइड ड्रॉ कर रहा हूँ आर से, लिख देते हैं हम आर की पावर क्या है गामा माइनस वन, गामा कितना दिया मुझको, गामा दिया 1.4, तो 1.4 माइनस वन। आई होप मैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्या करेंगे बच्चों, हम सिंपल ढाएंगे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की हेल्प से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब 596 डिवाइड में 316 मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 1.886 राइट, कितना आ रहा बच्चों, ये आ रहा है 1.886 राइट इज इक्वल्स टू आर की पावर 0.4। अब मुझे आर निकालना है, तो बचपन से मैथमेटिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब भी पावर को हम इज इक्वल टू के उस सब भेजते हैं तो पावर क्या आ जाती है बेटा, वन के बाय में आ जाती है, तो वैसे यहां पर होगा आर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1.886 वन डिवाइड में 0.4। ठीक है, इस पावर को मैंने सब भेज दिया, क्यों भेजा, क्योंकि मुझको आर निकालना है, आर क्या है कंप्रेशन रेशियो, जैसे मैं इसको सब भेजता हूं तो मेरी पावर जो है वन की डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1.886 ब्रैकेट के अंदर पावर वन डिवाइड में 0.4 बच्चों आ रही है 4.885, कितना आ रहा बच्चों कंप्रेशन रेशियो आर आ रहा है हमारा 4.885। ठीक है बच्चों, हमारा क्या होया आंसर होया, जो हो चुका फर्स्ट आंसर होया, इसको बॉक्स में कर देते हैं, आप भी एग्जाम में इसी बॉक्स में करिएगा। तो बच्चों मेरा क्या होया कंप्रेशन रेशियो मेरा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक रिलेशन यूज किया मैंने, कौन सा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का, उसके बाद सिंपल कैलकुलेटर से मैंने इसको सॉल्व कर दिया राइट। तो बच्चों मेरा क्या आ गया, मेरा आर आ गया है ना। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इस आर की वैल्यू एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो क्या जाएगा बच्चों एफिशिएंसी हो जाएगी राइट। करते हैं इसको, उसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, तो स्टूडेंट्स सेकंड हेडिंग क्या बनाएंगे हम, सेकंड हेडिंग बनाएंगे हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी,
सेकंड पॉइंट मैं निकालने जा रहा हूँ, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ठीक है, इसको नोट करते हैं ईटा से, ये हेडिंग होगी वन। अब लिखेंगे हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, जिसको ईटा से डिनोट कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला था बच्चों इसका, वन माइनस वन अपॉन आर की पावर का माइनस वन, राइट। अब क्या करना है मुझको, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, क्या करनी है बच्चों, वैल्यूज पुट करनी है। तो वन माइनस वन अपॉन आर की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, ये वैल्यू आई थी हमारे पास 4.885, रख देते हैं हम 4.885 की पावर गामा माइनस वन, गामा कितना दिया मुझको 1.4 माइनस वन, राइट। यहां से एफिशिएंसी क्या होगी आगे, 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं इसको, या सिंपल भी जा सकते हैं। क्या करेंगे हम, फोर पॉइंट 885 की पावर कितनी बच्चों, पावर है 1.4 माइनस 1, ब्रैकेट बंद, तो 1.886, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब क्या करना है बच्चों इसको, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, वन इसको मगर डायरेक्ट सॉल्व कर लें, वन माइनस ब्रैकेट स्टार्ट वन डिवाइड में 1.886 ब्रैकेट क्लोज, बच्चों ये आएगा 0.469, इसको ले सकते हैं 0.467, अब 47 कर लें 0.47, ठीक है। इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 47%। ठीक है बच्चों, आपका ये आंसर है। तो फिर क्या करो बच्चों, जो हमसे कहा था निकालने के लिए एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी और कंप्रेशन रेशियो, दोनों हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। न्यूमेरिकल काफी आसान था, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, और ऑटो साइकिल के डायग्राम्स की हेल्प से आपको ये निकालना है कि किस पॉइंट का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। ओके, इसकी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से क्या होगा बच्चों, आप इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल के लिए, इसको मैं रब कर देता हूँ। मैं फास्टली पहले न्यूमेरिकल को लिख रहा हूँ बोलते, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोल रहा है इसके अंदर, एन इंजन वर्किंग ऑन द ऑटो साइकिल, एक इंजन है जो कि ऑटो साइकिल वर्क कर रहा हैज अ सिलेंडर डायमीटर दिया हुआ है ऑफ 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर का आपको डायमीटर दिया है,
एंड अ स्ट्रोक स्ट्रोक दिया है आपको ऑफ 225 मिलीमीटर। फिर बोल रहा है द क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है, क्लियरेंस वॉल्यूम इज 1.25 इनटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। फाइंड द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, फाइंड द एयर एफिशिएंसी और बोल रहा है टेक गामा इक्वल्स टू 1.4। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ना। क्या बोल रहा है इसके अंदर हम दोबारा पढ़ते हैं। एन इंजन वर्किंग ऑन द ऑटो साइकिल, एक इंजन है जो कि ऑटो साइकिल में वर्क कर रहा है, हैज अ सिलेंडर डायमीटर। इस न्यूमेरिकल में कह दिया आपको उस इंजन का डायमीटर दिया है, सिलेंडर डायमीटर कितना 150 मिलीमीटर एंड अ स्ट्रोक ऑफ 225। आपको साथ में स्ट्रोक की वैल्यू दी गई है और साथ में क्या बोल रहा है क्लियरेंस वैल्यू दिया हुआ आपको। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि सिलेंडर डायमीटर क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, ताकि हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करें तो हमको समझ में आए। देखिए सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मान लीजिए आपका इंजन सिलेंडर है, ठीक है, इंजन सिलेंडर है। अब इस इंजन सिलेंडर के अंदर दो डेड सेंटर्स होते हैं, एक होता है TDC, दूसरा होता है BDC। ठीक है, डेड सेंटर क्यों बोलना बच्चों इसको, क्योंकि पिस्टन यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए रुकता है ना। अगर मान ले TDC से BDC जा रहा है, जैसे TDC से BDC आएगा थोड़ी देर यहाँ रुकेगा, उसके बाद अपने डायरेक्शन को क्या करेगा, वो चेंज करेगा, फिर कहाँ जाएगा, वो टॉप की ओर जाएगा, फिर यहाँ पर रुकेगा, फिर अपने डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डेड सेंटर्स, ऊपर वाले डेड सेंटर को टॉप डेड सेंटर, नीचे वाले को बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो पिस्टन जब एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर की ओर जाता है तो उसको उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्ट्रोक। ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक इसको एल से डिनोट करते हैं। पिस्टन जब एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर जाता है तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्ट्रोक। अगर पिस्टन TDC से BDC आ रहा है हम क्या बोलेंगे, एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अगर पिस्टन BDC से कहाँ जा रहा है, TDC जा रहा है, तब भी हम बोलेंगे एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। डिस्टेंस बिटवीन डेड सेंटर्स जो होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, राइट। अब क्योंकि हम जानते हैं इंजन सिलेंडर क्या होता है, कैसे होता है बच्चों, होलो होता है, तो इसके अंदर का डायमीटर, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, अप एंड डाउन जाता है, उस डायमीटर को हम बोलते हैं बोर। इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर वाले डायमीटर है उसको हम बोलते हैं बोर। उसको डिनोट करते हैं किससे, डी से। इस क्वेश्चन में बोला गया है डायमीटर, ठीक है, वैसे उसको हम बोलते हैं बोर। उसके बाद क्या बोलना है बच्चों, अगर पिस्टन हमारा कहां पर है, TDC पर है, पिस्टन अगर TDC पर है, उसके ऊपर का जो वॉल्यूम है वाला जिसको हमें छोड़ना ही पड़ता है, इस वॉल्यूम को बोलते हैं बच्चों क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसको डोनेट करते हैं VC से। ठीक है, पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर पे है, उसके ऊपर का जो वॉल्यूम है जिसको हम छोड़ के चलना ही पड़ता है हमको, उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में हमको डायमीटर की वैल्यू दी है, स्ट्रोक की वैल्यू दी है और क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू दी है हमको। ठीक है, वेरी गुड। अब जब पिस्टन TDC से BDC की ओर जाता है, मतलब ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं जिसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस वॉल्यूम को कवर कर रहा है, तो इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्वैप्ट वॉल्यूम, स्वैप्ट वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्लियरेंस वॉल्यूम क्या बच्चों, पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है, उसके ऊपर का जो वॉल्यूम है जिससे को हमको छोड़ कर चलना ही पड़ता है, उसे बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। पिस्टन TDC से BDC की ओर आ रहा है, जो वॉल्यूम वो स्वैप कर रहा है,
जो वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, राइट। हम बात करें अगर टोटल सिलेंडर वॉल्यूम की, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम की, तो बच्चों को क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वेप्ट क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। और हम बात करें कंप्रेशन रेशो की, तो बच्चों कंप्रेशन रेशो क्या होता है, कंप्रेशन रेशो होता है टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या मेरा वी सी प्लस वी एस डिवाइड में वी सी, ठीक है। तो यहां क्या पूछा हमसे, यहां हमसे पूछा है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, तो हम जानते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। आर क्या है इसमें, आर कंप्रेशन रेशो है, इस न्यूमेरिकल में कंप्रेशन रेशो निकालने के लिए मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है, यहां वी वन वी टू सर में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमको टेम्परेचर दिया नहीं है, इससे पहले का जो न्यूमेरिकल था उसमें मुझको स्टार्टिंग का टेम्परेचर और एंड का टेम्परेचर दिया था, तो मैंने क्या करा था टी वन बाई टी टू टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू की पावर गामा माइनस वन, इस रिलेशन को मैंने यूज कर लिया था ना, क्योंकि हम जानते हैं इसको आर बोलते हैं, ये हमको दिया था, लेकिन इस न्यूमेरिकल की हम बात करें तो इस न्यूमेरिकल ने मुझको टेम्परेचर नहीं दिया, जो बेसिक फॉर्मूला है कंप्रेशन रेशो का हमको उसी फॉर्मूले से जाना है, वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, राइट। तो इस न्यूमेरिकल ने मुझको यहाँ क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है मुझको, मुझे क्या करना है, मुझको स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना है, और स्वेप्ट वॉल्यूम में निकालना जानता हूँ कैसे करके जानता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है पाई बाई फोर बोर का स्क्वायर इंटू स्ट्रोक, मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है, पाई बाई फोर बोर का स्क्वायर इंटू स्ट्रोक, आसान शब्द में बोले आसान भाषा में बोले तो पाई बाई फोर डी का स्क्वायर इंटू एल, ये फॉर्मूला होता हमारा किसका, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का, मैं निकाल लूंगा उसके वैल्यू पुट कर दूंगा हमारा आंसर आ जाएगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं समझ कर को, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारी पहली अप्रोच क्या है कि हम लिखेंगे गिवन, ताकि हम इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाए, सॉल्यूशन लिख रहे हैं गिवन, गिवन क्या दिया है, एक इंजन है जो कि मोटरसाइकिल पे काम कर रहा है, हैज अ सिलेंडर डायमीटर, हमको डायमीटर दिया है, तो इसे लिख दीजिए सिलेंडर डायमीटर, इसको हम नोट करते हैं बच्चों कैपिटल डी से, कितना दिया है, ये दिया हमको 150 मिलीमीटर, उसके वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 150 मिलीमीटर, यहां आपको ध्यान रखना है किसका बच्चों, यूनिट्स का, इसको बाय में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो हो जाएगा बच्चों 150 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, हम जानते हैं एक मिली में 10 की पावर माइनस 3 उसकी वैल्यू होती है। अब क्या बोल रहा है, स्ट्रोक, आपको स्ट्रोक दिया है ना, स्ट्रोक का हम डॉट कर रहा है किससे, एल से, कितनी वैल्यू दी है 225 मिलीमीटर, लिख देते हैं 225 मिलीमीटर, इसको भी हम चेंज करेंगे मीटर में, सेम वही काम करेंगे 225 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, एक मिली की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10 की पावर माइनस 3 होती है, आप जानते होंगे इसको, नहीं जानते याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा है यहां पर, द क्लियरेंस वॉल्यूम इज, क्लियरेंस वॉल्यूम
इसको डिवाइड करना है बीसी से, कितना दिया बच्चों ये, ये दिया है 1.25 इंटू 10 पर माइनस 3, हम रख देते हैं 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझको इसने ऑलरेडी मीटर मीटर में रखा है, ठीक है। अब क्या बोला आपसे, फाइंड द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था हमारा पहले काम निकालेगा क्या है, स्वेप वॉल्यूम, ठीक है। चलिए लिखेंगे हम, वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्वेप वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, स्वेप वॉल्यूम जिसको हम डोनेट कर रहे हैं वी एस से, ये होता है पाई बाई फोर बोर का स्क्वायर मतलब डायमीटर का स्क्वायर इनटू स्ट्रोक मतलब लेंथ एल, उसके वैल्यू पुट कर देते हैं पाई बाई फोर इनटू डायमीटर वैल्यू कितनी बच्चों, ये है 150 इनटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर इनटू स्ट्रोक एल, एल कितना है 225 इनटू 10 की पावर माइनस 3। कैलकुलेटर आपको उठाना है, कैलकुलेटर की हेल्प से इसकी वैल्यूज आपको सॉल्व करनी है। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो बच्चों वैल्यू आ रही है बीएस की 3.976 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, ओके। तो बच्चों क्या है मेरा, ये मेरा आ गया स्वेप वॉल्यूम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे हम देयरफॉर, हम जानते हैं कि कंप्रेशन रेशो जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, और टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या क्या होता है बच्चों, बीसी प्लस बीएस, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप वॉल्यूम डिवाइड बाय बीसी, अपन ने भी देख लिया। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, बीसी के लिए कितनी दी है मुझको 1.25 इनटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस वेस्ट वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू वेस्ट की है, रख दीजिए 3.976 इनटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड में फिर बीसी की वैल्यू 1.25 इनटू 10 की पावर माइनस 3। कैलकुलेटर उठाना है, सिंपली वैल्यूज पुट करना है, इंसर्ट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों कंप्रेशन रेशियो वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 4.18, ये मेरा कंप्रेशन रेशियो आ गया, ठीक है। अब मेरे काम आसान हो गया, कंप्रेशन रेशियो मेरा आ गया है, ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहां पर एफिशिएंसी के फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये लिखते हैं इसको हम, लिख देंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि एयर स्टैंडर्ड, इससे पहले एक काम करें, हम जो निकालने जा रहे हैं ना पहले उसको हेडिंग ना लें ताकि कॉपी चेक करने वाले को कोई समस्या ना रहे। लिख दो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ये मैं निकालने जा रहा हूं, ये भाई साहब उसकी हेडिंग है, ओके। फिर लिखेंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जिसको हम ईटा से डोनेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1-1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। आर मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, इसकी वैल्यू मुझे यहां पुट करनी है, कितना होगा यहाँ से 1-1 अपॉन आर कितना है 4.18 की पावर गामा, गामा भी मुझको दिया हुआ शायद, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है 1.4, ठीक है इसको यहाँ एड कर लें साथ में, गामा इक्वल्स टू 1.4, तो 1.4 माइनस 1, इसको सिंपली कैलकुलेटर में पुट करनी वैल्यूज, यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 0.436,
0.436% में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43.6%। ये आपका हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स आज हमने दो न्यूमेरिकल्स करें, इन दोनों न्यूमेरिकल्स में आपने आज काफी कुछ सीखा होगा, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम आरजीपीवी में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके पास जो बुक्स हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।